सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफए। तो मैं चंदन कुमार, कम्युनिकेशन फैकल्टी, आप सबका स्वागत करता हूं। सो एवरीवन, यू आर अबाउट टू नो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। फेवर टू से टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो सब बच्चों के लिए जिन्होंने एमएससेट का एग्जाम दिया हुआ, क्योंकि ऑब्वियसली आपका एग्जाम बहुत ही हो गया कम्प्लीट हुए। 7th अप्रैल को आपका एग्जाम था, ठीक है। सो इफ यू एबल टू नो, आज हमारा 13th अप्रैल है, ऑलरेडी 23 डे हमारा निकल चुका है। सो ऑब्वियसली बच्चों का इंतजार रहता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा, फाइनल आंसर की कब रिलीज होगा, प्रोविजनल आंसर की कब रिलीज होगा। सो इफ यू एबल टू सी इन दिस सेशन, वी आर गोइंग टू बी नो ऑल द डिटेल, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे वन बाय वन डिटेल को यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो आपका हमारा टारगेट क्या है कि आपको बताने की एमएससेट का रिजल्ट कब आने वाला है फॉर 2024 का। सो लेट्स सी हियर अबाउट टू नो। तो ये रहा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट जो महाराष्ट्र स्टेट का, जो अगर देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन मोस्ट दे आर गोइंग टू बी कंडक्ट दिस एग्जाम। सो हियर अबाउट टू सी, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप ओपन करेंगे, आप इस वेबसाइट पे ऑथेंटिकेट कर जाएंगे, जहां पे आपको दिया हुआ यहां पे ये सारे के सारे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, होम हो गया आपका एग्जाम सेंटर, इंपॉर्टेंट डेट्स, रिजल्ट वेरिफिकेशन, कॉन्टेक्ट्स। सो हियर अबाउट टू सी ऑल द डिटेल्स, आप वन बाय वन सेक्शन में जाके सारे इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे आप ओपन करेंगे तो आप इस पोर्टल पे ऑथेंटिकेट कर जाएंगे, ठीक है। अब चलिए हम रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, आपका प्रोविजनल आंसर की कब आएगा, आपका फाइनल आंसर की कब आएगा। तो ये कैसे मालूम चलेगा? सो ऑब्वियसली हम पहले आप देखते हैं 2023 में जो एग्जाम हुआ था, कितने दिन बाद आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज हुआ था, कितने दिन बाद आपका रिजल्ट आया था, बल फाइनल आपका आंसर किया आया था, ठीक है। सो उसके बेस पे हम आज मतलब करेंट जो 2024 में आपका एग्जाम हुआ है एमएससेट का, उसको हम एक्सेप्ट करेंगे कि आपका क्या डेट हो सकता है फॉर प्रोविजनल आंसर की एज वेल द फाइनल रिजल्ट एज वेल द फाइनल आंसर की का। चलिए देखते हैं यहाँ पे। सो ये रहा आपका एक एक्सेप्टेड जो ईयर नंबर टू सी, ये हमारा 2023 का डेटा है, ठीक है। सो अगर 2023 की बात करें, एग्जाम नेम कौन सा है, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एमएससेट 2023 रिजल्ट कैटेगरी आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पे ऑब्वियसली स्टेटस में देखेंगे रिलीज, ऑब्वियसली आपका रिजल्ट रिलीज हो चुका है 2023 का। अब यहाँ पे इसका हम एक देखते हैं डेट, कौन से डेट में आपका एग्जाम हुआ था। सो अगर 2023 की बात करते हैं, 2023 में आपका एग्जाम 26 ऑफ मार्च 2023 हुआ था, एज वेल आफ्टर अप्रोक्सीमेट 1 मंथ बाद आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो गया था। इट मींस कि 26 मार्च को एग्जाम हुआ था, एज वेल 25th ऑफ अप्रैल 2023 को आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो गया था, ठीक है। सो हियर आई वांट टू नो, अगर हम बात करते हैं 2024 का, सो ऑब्वियसली स्टेटस की बात करें टू बी अनाउंस, अभी तक अब रिजल्ट आया नहीं है। सो देखो यहाँ पे कंपेयर टू द 2023 का डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, जस्ट 1 मंथ बाद आपका आंसर की वहां पर रिलीज हो गया था प्रोविजनल। सो सेम लाइक दैट यहाँ पर देखा जाए 7th अप्रैल 2024 को हमारा एग्जाम हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखा जाए, सो ऑब्वियसली हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, मई जो होता है 1 to 7th मई के बीच में 2024 तक आपका प्रोविजनल आंसर की रिलीज हो सकता है। ये एक चांसेस है 90+ चांसेस है आपका आंसर की आ जाएगा। और आंसर की बात करें तो ऑलरेडी आईएफएस ने आपको एमएससेट का आंसर की को रिलीज कर दिया है आफ्टर एग्जाम के 2 घंटे बाद ही। आप हमारा आईएफएस के कंप्यूटर साइंस के चैनल पे कंप्यूटर का स्टूडेंट तो आप देख सकते हैं एज वेल। अगर पेपर वन का एंटायर आंसर की देखना चाहते हैं आप, तो जाके वहां पे प्रोविजनल आंसर की देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी पूरा डाल रखा है, ठीक है। तो ये आपको एक आइडिया लग गया अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा कि आपका जो एग्जाम हुआ था इसके अकॉर्डिंग आंसर की कब आया था। तो ऑब्वियसली 1 मंथ बाद यहाँ भी 1 to 7 मई तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। नाउ वी एबल टू नो द रिजल्ट की बात करते हैं, तो हियर अबाउट टू सी 26th ऑफ मार्च को एग्जाम हुआ था 2023 में, एज वेल 28th जून को आपका रिजल्ट अनाउंस्ड हो चुका था। इफ यू एबल टू नो जस्ट 26-28 आफ्टर 2 डे, हियर अबाउट टू सी मार्च के बाद जून, मतलब 3 मंथ 2 डे के बाद आपका रिजल्ट यहां पे निकल गया था। 3 मंथ जस्ट आफ्टर 3 months+2 days के बाद आपका रिजल्ट यहाँ पे इन 2023 में हो गया था। अकॉर्डिंग टू दैट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा मंथ कौन सा था, यहाँ पे अप्रैल में हमारा एग्जाम हुआ, तो अगर 3 मंथ भी लेते हैं तो ऑब्वियसली वी आर एबल टू सी फर्स्ट ऑफ जुलाई की अगर बात करते हैं हम, इफ यू एबल टू सी अगर फर्स्ट ऑफ जुलाई को अगर बात करते हैं हम,
ठीक है 2024 तक तो आपका रिजल्ट आने का चांसेस है 99%। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट, क्योंकि 3 महीना ज्यादा हो गया, ऑब्वियसली जल्दी रिजल्ट हो जाएगा इस बार। ठीक है, सो ऑब्वियसली आपके अगर बात करते हैं जून के लास्ट वीक तक एज वेल द जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट 100% पब्लिश हो जाएगा। एक हमारा एक्सेप्टेड आइडिया हमारा डेट है, क्लियर टू दैट। सो ये डेट कैसे हम कैसे मेंशन किया, तो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस डेटा जो ऑलवेज, अगर देखो क्योंकि यहाँ पे एग्जाम ऑफलाइन थ्रू होता है, ऑनलाइन तो होता नहीं है कि एक महीना में रिजल्ट आ जाएगा, तो ऑब्वियसली रिजल्ट को प्रिपेयर करने में टाइम लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दैट अगर देखेंगे आप तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट 1st of July में कन्फर्म हो जाएगा। क्लियर है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, रिजल्ट का टेंशन मत कीजिए। अगर आपने एग्जाम अच्छा दिया तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। सो आपको एक ओवरऑल आइडिया लग गया। और देखो आप जब भी रिजल्ट है, आजकल कोई भी नोटिफिकेशन देखना तो आप यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, stetexam.unipune.ac.in ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है जो आपका पुणे यूनिवर्सिटी का। ठीक है, सो आप यहाँ पे जाके MSET का से रिलेटेड ऑल दोज इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर टू ऑल, समझ में आ गया ना। सो Just trust on that कि 1st July of 2024 तक रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अब ये रहा हमारे जितने सारे बच्चे हैं जो UGC NET 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए कंप्यूटर साइंस का एक्सक्लूसिव कोर्सेस है। सो यू आर एबल टू सी जस्ट वी हैव, क्योंकि आपका UGC NET का एग्जाम 18th ऑफ जून को ही, अब जस्ट 40 to 45 day टाइम। सो अपने प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली डू इनरोल विद द एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्सेज, जहाँ पे आपको टोटल 30% ऑफ फ्लैट ऑफर पे कोर्सेज को प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, जहाँ पे आपको रिकॉर्डेड कोर्सेज मिलेंगे एज वेल टेस्ट सीरीज और पेपर वन का पूरा बैच लाइव आपको प्रोवाइड की जाएंगे। ठीक है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू इनरोल। आपको जस्ट हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने हैं, ifsonline.com पर जाने एज वेल इनरोल करें। जब भी इनरोल करने जाए तो आप इस प्रोमो कोड को अप्लाई करना, IFS30 आपको 30% का फ्लैट ऑफर मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए। सो ये देखिए आपका ऑफिशियल है वेबसाइट है जो महाराष्ट्र सेट का। जैसे आप रिजल्ट सेक्शन में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप रिजल्ट अपना ईयर सेलेक्ट करना, विद मार्क्स विदाउट मार्क्स अपना सारा इंटर सीट नंबर इंटर नेम करोगे तो आपको रिजल्ट मालूम चल जाएगा। तो जब रिजल्ट पब्लिश होगा तो आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट को भी देख सकते हैं। ठीक है, जो वेबसाइट हमने ऑलरेडी पिछला स्लाइड में डाल रखा है। ठीक है, चलिए पेपर वन की अगर बात करते हैं, एक्सक्लूसिव बैच लाइव जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 29th ऑफ अप्रैल, तो प्लीज डू इनरोल। ये क्लासेस आपके सेट अपकमिंग सेट एग्जाम एज वेल द नेट एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो प्लीज डू इनरोल एज वेल गेट द बेनिफिट, जहां पर भी आपको 30% के फ्लैट ऑफर प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, हियर बट टू सी ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, डू विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com एज वेल। अगर आपको कोई भी इशू हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, हियर बट टू गेट द बेस्ट फैकल्टी डेमो ऑल अबाउट द एग्जाम सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कटअप पेपर एनालिसिस जो टोटल के टोटल फ्री है। सो प्लीज विजिट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ifsonline.com एज वेल, चूज योर सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट एज वेल गेट द बेनिफिट। ठीक है, चलिए सारे डिफरेंट एग्जाम है जो बच्चे हमारे क्वालिफाई किए, सो अपना भी प्रिपरेशन आईएफएस साथ रखी, ऑब्वियसली वन डे यू आर एबल टू सी आपका भी पिक्चर यहाँ पे लग रहेगा। क्लियर है, सो डू डाउनलोड द ऑफिशियल जो हमारा ऐप है एज वेल गेट द बेनिफिट। और कोई भी इशू हो रहा है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। क्लियर, सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। सो डोंट वरी अबाउट दैट, आपका रिजल्ट डेफिनेटली 1st of July तक रिलीज हो जाएगा। सो ओके एवरीवन, थैंक यू एज वेल, हैप्पी लर्निंग विद आईएफएस।